हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ साई घिया की सब्जी शेयर करने वाली हूँ। ये है साई घिया के लिए मैंने एक घिया ली है। ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में इस घिया को मैंने काट लिया है। और ये दो रफली कटे हुए टमाटर और तीन रफली कटी हुई प्याज और कुछ लहसुन की कलियाँ। अभी मैं गैस पे कुकर रखूंगी और कुकर के अंदर इन घिया को अच्छे से वॉश करके इसके अंदर डाल दूंगी ताकि ये बॉयल हो जाए, अच्छे से बॉयल हो जाए। ये मैं घिया इसके अंदर डाल रही हूँ अभी। गैस का फ्लेम मैंने तेज कर दिया है और अभी इसमें मैं थोड़ा सा पानी, 1 गिलास के लगभग मैंने इसमें पानी डालूंगी। और उसके बाद मैं इसमें बस ज़रा सी हल्दी और नमक, दो चीज़ें ऐड करके इसको 5 से 6 सीटियाँ आने के लिए, बॉईल होने के लिए रख दूंगी इसको। जब तक ये 5 से 6 सीटियाँ आएंगी ना, तब तक अच्छे से बॉईल हो जाएगी और घिया आप अच्छे से मिक्स भी हो जाएगी इसके अंदर, ताकि अलग अलग से ना दिखे। ये बहुत ही अच्छी घिया थी, कच्ची हुई घिया हमारी दीदी अपने घर से लेके आई थी। बहुत अच्छी घिया थी, मतलब ज़्यादा बीज वाली घिया नहीं थी। और जो थे थोड़े बहुत बीज वो भी मैंने इसके निकाल दिए थे, जिससे ताकि अच्छे से टेक्सचर से बन के एक सब्जी आए। और अभी मैंने इसको ढक्कन लगा के सीटी आने के लिए रख दिया था। अभी मैंने कढ़ाई में ज़रा सा तेल लिया है गरम होने के लिए। जैसे ही ये तेल गरम हो जाता है, इसमें मैं कुछ खड़े मसाले डालूंगी, जैसे जीरा, प्याज, साबुत लहसुन, ये मैंने इकट्ठे ही डाल दिए इसके अंदर। जब तक ये प्याज लाइट ब्राउन कलर के नहीं हो जाते, तब तक इसे भूनना है। नहीं, 2-4 मिनट का ये टाइम लेंगे। जैसे जैसे ये हल्के ब्राउन हो, अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे, भुन जाएंगे, ताकि ये मतलब नरम से हो जाएं, तभी मैं इनके अंदर टमाटर डाल दूंगी। और अभी मैं इसमें खड़े मसालों में दालचीनी और तेज़पत्ता और डाल दिया है। तेज़पत्ते से अच्छी खुशबू आती है और दालचीनी सेहत के लिए अच्छी होती है और ताकि कोई नुकसान भी ना करे। मैं हमेशा दालचीनी, हींग, ये चीज़ें यूज करती हूँ ताकि खाना ये कुछ भी हमारे शरीर को से दे ना। ये मैंने इसके अंदर दालचीनी डाल दी है। बीच में चलाते रहें ताकि कढ़ाई का तला ना पकड़े ये।
अभी मैंने इसके अंदर ये रफली कटे हुए टमाटर डाल दिए हैं। जैसे ही ये टमाटर पिचक जाएंगे, थोड़े से नरम हो जाएंगे, इनको मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी। जैसे ही ये ठंडे हो जाएंगे, फिर इनको मिक्सी ग्राइंडर में मैं पीस लूँगी। बस इनमें टमाटरों के साथ मैं ज़रा सा नमक डालूँगी, बाकी कोई मसाला नहीं डालूँगी, ताकि ये अच्छे से पक जाएं। और फ्रेंड्स, जो कल मैं छोले भटूरे बना रही थी, तो भटूरों की वीडियो मेरे से कुछ स्किप हो गई, और छोले की सब्जी जो छोकने वाली थी वो भी मुझसे कुछ स्किप हो गई, इसीलिए मैं वो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी। फिर कभी बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ पूरी क्लिप शेयर करूंगी। बाकी मैंने अपने बेटे का सेलिब्रेशन जैसा भी था, छोटी वो छोटी सी क्लिप थी, वो आपके साथ मैंने इसमें शेयर जरूर की थी। जैसे ही ये टमाटर पक जाएंगे ना, तो इनको मैं थोड़ी देर के लिए पंखे के नीचे हवा में रख दूंगी, ताकि जल्दी से ठंडे हो जाएं और सब्जी बनाने में देर ना हो। इनके अंदर पानी नहीं डालना है, इनको बस ऐसे ही पकाना है, ऑयल में ही, हल्के से, थोड़े से ऑयल में ही। ज़्यादा ऑयली सब्जी भी खाना ठीक नहीं होता, हल्के हल्के ऑयल में ही सब्जी अच्छी लगती है। और ये ठंडे होके ग्राइंडर में पीसने के बाद मैंने दोबारा उसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला है। जैसे ही तेल गर्म हो गया, उसमें मैंने हींग डाल दी है। जैसे ही हींग चटक जाएगी, इसके बाद मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, कलर के लिए, कलर बहुत अच्छा आता है इससे, रेड चिल्ली पाउडर डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके अच्छे से चलाओ। जब तक ये मसाले भुन जाएंगे, अच्छे से भुन जाएंगे मसाले, उसके बाद मैं इसमें टमाटर और प्याज की जो वो ठंडा करके मैंने प्यूरी बनाई थी खट्टी पीस के, वो इसके अंदर ऐड करूँगी, जिससे सब्जी में की ग्रेवी बहुत अच्छी बन के तैयार होती है। अभी मैं इसके अंदर ये सारी डाल देती हूँ, पूरी निकल ना पाएगी। इसमें अभी पानी डालूंगी तो मेरे ऊपर छींटे आएंगे। थोड़ी सी देर बाद इसमें मैं पानी डाल के, और इसको मतलब जार को धो के इसी के अंदर पानी डाल दूंगी। और साइड में ना घिया उबल के बिल्कुल तैयार हो चुकी है, उसको मैंने थोड़ा सा चम्मच से उसकी छोटी छोटी फाड़ों को, वो जो टुकड़े किए थे मैंने, उनको भी हल्का हल्का सा फोड़ लिया है। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें ग्रेवी पकी, ये टमाटर प्याज पके हुए हैं ना, तो इसलिए सब्जी में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बड़ी जल्दी ही बन के तैयार हो जाती है सब्जी, और खाने में बहुत ही लाजवाब होती है, पनीर को भी माफ़ करती है ये सब्जी। अगर एक बार आप बना के ज़रूर देखना कि ये सब्जी कैसी लगती है, और खा के मेरे को ज़रूर बताना टेस्ट करके कि आप लोगों को ये सब्जी कैसी लगी। जैसे ही ये थोड़ा सा पक जाएगा, तेल मसाले से थोड़ा सा अलग हो जाएगा, उसके बाद मैं इसमें उबली हुई घिया डाल दूंगी। ये जो भी बचा हुआ पेस्ट था ना, मैंने चम्मच से निकाल निकाल के जरा जरा से करके डाल दिया है ये। अभी मैं इसके अंदर ये, मतलब जैसे ही ये तैयार हो जाएगा ना, अभी इसके अंदर मैं उबली हुई घिया डालूंगी। ये उबली हुई घिया डाल के इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। अभी इसमें 2-4 मिनट तक अच्छे से इसको पकाऊंगी। जैसे ही अच्छे से पक जाएगा ना, उसके बाद इसको एक लास्ट आपको टचअप बताऊंगी, जिससे सब्जी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही
मतलब अच्छी बन के तैयार होगी वो मैं आपको बताऊंगी। ये जार का धो के जितना भी पानी बचा हुआ था मैंने वो सारा पानी इसके अंदर अंदर डाल दिया है, ताकि जो भी कुछ हो वो सारा पानी के साथ आ जाए, वेस्टेज में ना जाए। अभी जैसे ही ये पक जाती है उसके बाद मैं इसमें ना थोड़ी सी मलाई डाल दूंगी, मलाई से, ताकि ये सब्जी अच्छे से घुटके और ग्रेवी अच्छी बन के, ग्रेवी अच्छी ग्रेवी तैयार हो इससे, और सब्जी भी बहुत ही अच्छी लगेगी। ये मैंने इसके अंदर घर की फ्रेश मलाई, 2 चम्मच फ्रेश मलाई डाली है बस। और इस मलाई के साथ साथ ही मैं इसमें गरम मसाला और वो डालूंगी। और अभी थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला और काली मिर्च पाउडर दोनों ही मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, ताकि बाद में ये मसाला डालने से ना उसका खुशबू बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी बड़ा अच्छा लगता है, सब्जी खाने में बहुत अच्छी लगती है। और आप इस सब्जी को खा के ये नहीं बता पाओगे कि ये सब्जी घिया की है। जो लोग घिया खाना पसंद नहीं करते वो बहुत ही अच्छे से इस सब्जी को खाएंगे और एक की बजाय 4-4 रोटियां इसके साथ खा जाएंगे। यह शाही घिया की लाजवाब सब्जी अभी बनके तैयार हो रही है आपके सामने, देखना आप इसमें।